कौन सा दर्पण है? अवतारण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अच्छा इसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सपेक्टेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं? अच्छा ये क्या है? बोल। ये क्या है? बोल। और ये क्या है? वाइब्रेटर। सेंटर। सेंटर। वक्ता केंद्र। क्या है? अच्छा पी से लेकर एफ के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकल दूरी। पी से लेकर सी के बीच की दूरी को वक्ता। ठीक है अब देखो। अच्छा इसे हम मान लेंगे क्या चीज? इसे आप लोग क्या चीज मान लीजिए? और हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख रख कर देखेंगे कि इसका इमेज कहाँ कहाँ बन रहा है। ठीक है तो सबसे पहले हम लोग देखा जाए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे? अनंत है, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट रखा। ठीक है मान लो पहला सा ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इसका इमेज कहाँ पे बनेगा? फोकस। छोटा सा ही बनेगा। ठीक है कितना बड़ा बनेगा? छोटा। देखिए ऑब्जेक्ट राइट की ओर बढ़ाइएगा। ठीक है और इमेज किधर की ओर बढ़ेगा? लेफ्ट। इमेज इधर की ओर बढ़ेगा। इमेज, इमेज का हिंदी क्या होता है? प्रतिबिंब। बोलो एक बार, प्रतिबिंब। और ऑब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है? वस्तु। तो वस्तु को जब हमने अनंत पर रखा तो उसका इमेज कहाँ पे बना? अब हम वस्तु को एक स्टेप आगे की ओर बढ़ाएंगे, यानी कहाँ पे लाएंगे? अनंत और अनंत के बीच। सी और अनंत के बीच आपका ऑब्जेक्ट नंबर टू, इसका इमेज कहाँ जाएगा? एफ और सी के बीच। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जब वस्तु कहाँ बना? कैसा बना? उल्टा बना है कि सीधा? अच्छा बड़ा बना है कि छोटा? अच्छा अगर मिरर के इधर में ही बन जाए इमेज तो वास्तविक की काल्पनिक? वास्तविक। वास्तविक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल। और इधर बनेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? और ये वाला जो इमेज बनता है ना वो सीधा बन जाता है। ठीक है यहाँ पे जितना भी इमेज बनेगा सब उल्टा ही बनेगा, इनवर्टेड। ठीक है तो क्वेश्चन फिर से बताइए, जब वस्तु को हम अनंत पर रखे उसका इमेज कहाँ बना? कैसा बना? छोटा और उल्टा। रियल की वर्चुअल? रियल। रियल ठीक है। नेक्स्ट जब दो नंबर हम ऑब्जेक्ट को रखे कहाँ पे? सी और अनंत के बीच। कहाँ पे रखे थे? सी और अनंत के बीच। तो हमारा इमेज कहाँ पे बना है? फोकस ऑन के बीच। उल्टा की सीधा? उल्टा। बड़ा की छोटा? छोटा। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे? सी पर। अब कहाँ रखा जाए? सी पर। ऑब्जेक्ट भी इमेज भी तो थोड़ा सा घसकेगा, कहाँ पे ही बन जाएगा? सी पर। तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज होगा। इमेज ऑब्जेक्ट थ्री, इमेज थ्री। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कहाँ पे वस्तु को रखा जाता है तो उतना ही बड़ा इमेज बन जाता है? सी पर। कहाँ पे? सी पर। सी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अच्छा ये उल्टा बन रहा है कि सीधा? उल्टा। उल्टा बन रहा है कि सीधा? उल्टा। वस्तु से बड़ा छोटा बराबर? बराबर। इक्वल बन रहा है? बराबर। वास्तविक की काल्पनिक? वास्तविक। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रियल। रियल इमेज। कैसा बन रहा है? रियल। अब ऑब्जेक्ट को आप कहाँ पे लाइएगा? फोकस ऑब्जेक्ट फोर। ये कहाँ पे जाएगा इमेज? अब यहाँ से 12 होते चला जाएगा, इमेज क्या होगा जी? 12। क्वेश्चन पूछेगा एफ और सी के बीच जब हम वस्तु को ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? सी और अनंत के बीच। 12 की छोटा? 12। उल्टा की सीधा? उल्टा। वर्चुअल की रियल? रियल। अगर हम वस्तु को कहाँ पे रखें? तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा? यही ना अनंत माने हो? अनंत पर। 12 की छोटा? बहुत बड़ा। उल्टा की सीधा? उल्टा। कम्प्लीट। यस सर। फिर से बोल दो लाइन से, अनंत पर तो इमेज कहाँ बनेगा? अनंत और सी के बीच में तो इमेज कहाँ? सी पर रखोगे तो कहाँ? सी पर। अच्छा एफ और सी के बीच में रखोगे तो कहाँ? अनंत और सी के बीच। अच्छा अगर फोकस पर रखोगे तो इमेज कहाँ? अनंत। बड़ा की छोटा? बहुत बड़ा। वास्तविक की काल्पनिक? लास्ट पॉइंट, यहाँ पे अगर आप वस्तु को रखते हैं कहाँ पे? ऑब्जेक्ट सिक्स। इसका इमेज कहाँ पे बन जाएगा? मिरर से पीछे, दर्पण के पीछे। अच्छा उल्टा की सीधा? उल्टा। वास्तविक की काल्पनिक? काल्पनिक। यह
ब्रेक बन गया ठीक है ये ठीक रहा फिर से देखोगे